तो हेलो एवरीवन, ये है पुरुषोत्तम इन्वेस्टोफिन के क्वार्टर 3 के रिजल्ट। तो आगे यहाँ पर देखते हैं इस शेयर के रिजल्ट्स यहाँ पर कैसे रहे हैं। ईयरली बेसिस की यहाँ पर जो शेयर की डिविडेंड इनकम है वो यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिला है, यानी कि डिविडेंड इस शेयर ने ईयरली बेसिस में अनाउंस नहीं किया था। क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर 4 पैसे का डिविडेंड यहाँ पर अनाउंस किया गया है। अब बात कर लेते हैं इस शेयर के टोटल इनकम की। तो टोटल इनकम ईयरली बेसिस में 528 लाख था, जो क्वार्टरली बेसिस में 1629 लाख के करीबन यहाँ पर हो गया है। टोटल इनकम यहाँ पर जो है शेयर की, वो यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस में इंक्रीज हुई है। इस शेयर के टोटल एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंसेस ईयरली बेसिस में 512 लाख थे, जो क्वार्टरली बेसिस में 1157 लाख के करीबन यहाँ पर हो गया है। आगे हम इस शेयर के यहाँ पर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को देख लेते हैं। ईयरली बेसिस में 454 लाख था, ब्रैकेट में था यानी लॉस में था, अब जो है 254 लाख के करीबन यहाँ पर हो गया है। आगे हम इस शेयर के जो है अर्निंग पर शेयर को भी यहाँ पर देख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर ईयरली बेसिस में 26 पैसे था, अब जो है 7.51 रुपये के राउंड यहाँ पर हो गया है। ओवरऑल एनालाइज करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो है शेयर के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिले हैं। प्राइस लेवल की बात करें तो इस मंथ तक का शेयर का मैक्सिमम टारगेट 20.50 रुपये के राउंड तक यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। तो अगर आपके पास ये शेयर है और आप इस शेयर को यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहें तो अपने ऑन रिस्क में इस शेयर को आप जो है यहाँ पर लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से भी होल्ड करके रख सकते हैं।